यहाँ पे क्या ये गाड़ी इंटेलिजेंट है, तो आई सीएनजी इंटेलिजेंट है ये गाड़ी, यहाँ पे एसी वेंट की अपने को कमी लग रही है। अगर कभी जो लोग भी ऐसे देखते हैं ना ये करके, ये देखो गाड़ी कितनी हैवी है, ये सब पैरामीटर नहीं होते भाई गाड़ी को सेफ्टी में देखने के लिए ना। अगर आप टोटल 5 जने बिठा के लेके जाना चाह रहे हो तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं संजय सक्सेना और आज मेरे सामने है भाई यहाँ पे टाटा टियागो एक्सटी वेरिएंट आईसीएनजी के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर ना हम लोग बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में, एक कंप्लीट वॉक अराउंड देखेंगे, देखेंगे ये गाड़ी क्या क्या वैल्यू एड ऑन कर रही है। इसके साथ आप ये देखो कि जब टाटा पंच का प्राइस आया है, मतलब यार एट दैट टाइम टाटा ने ऑफिशियली अनाउंस करा कि करंट इसका जितना पोर्टफोलियो जो करंट अभी सीएनजी पे आ रहा है सबका सब उसने ट्विन सिलेंडर करा, एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा देखो इंडिया के अंदर पहली ऐसी कंपनी ये गाड़ी यहाँ पे मतलब टाटा बन चुकी है जिसके सारे के सारे वेरियंट्स के अंदर हमें सीएनजी देखने को मिल रही है। मतलब यार एक ना जो मिडिल क्लास बंदा है या जिसका एक नॉर्मल सा बजट है, जो चाहता है यार थोड़ा एक अच्छी थोड़ा प्रीमियम सी व्हीकल आ जाए, थोड़े अप मार्केट टाइप के उसमें फीचर्स हो, प्लस जेब पे भी ना भाई कम नुकसान हो, उस बंदे की कॉस्ट इफेक्टिव हो, सिटी के अंदर गाड़ी चलानी है, तो उसको कोई एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए ना, वो चीज़ आज यहाँ पे टाटा ने पूरी कर दी है। अभी तक सीएनजी गाड़ियों के लिए क्या बोला जाता था कि यार एक ना लिमिटेड गाड़ियां हैं, बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएंट होंगे गाड़ियों में, लेकिन दोस्त टाटा ने ना ये जो माइंडसेट है, ये जो मेथोलॉजी है ना, पूरी की पूरी चेंज करके रख दी है। तो आज ये जो कार है मेरे सामने यहाँ पे टाटा की टियागो, भाई एक प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आ रही है, और प्रीमियम तो मैं नहीं बोलता, एक हैचबैक कैटेगरी के अंदर गाड़ी आ रही है जिसमें आप इसको स्विफ्ट से, वैगन आर से, i10 से इससे कंपेयर कर सकते हो। प्लस गाड़ी अभी तक जो वैल्यू एड ऑन कर रही थी वो ये वैल्यू एड ऑन कर रही थी कि इस गाड़ी का जो स्पेक्स है ना पावर टॉर्क का, वो अभी तक अपने सेगमेंट के अंदर सबसे बेहतर था। दूसरा बात करें भाई सेफ्टी के लिए, आप एक ऐसे बंदे हो कि मतलब एक प्राइमरी व्हीकल भी अगर आप टाटा की गाड़ी को बनाना चाह रहे हो तो यस 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग पे ये गाड़ी हमें ऑफर कर रही है। और जैसा अभी आप सबको पता है कि 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे भारत एनकैप लागू होने वाला है, हमारे देश के अंदर गाड़ियों के क्रैश टेस्ट होंगे ना, तो भाई तब जाके इसकी रेटिंग देखेंगे कितनी होगी। तो अगर ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार है और भारत एनकैप जो है वो टोटल 3 क्रैश टेस्ट में होगा, तो मेरा अभी पर्सनली मानना है, कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं, पर्सनली मेरा मानना है कि यस मेरे हिसाब से कम 5 स्टार रेटिंग पे तो ये गाड़ी आनी चाहिए। तो बाकी ये है एक ट्विन सिलेंडर पे, देखते हैं, और ICNG टेक्नोलॉजी है, तो ICNG क्या हुआ, इंटेलिजेंट CNG टेक्नोलॉजी के साथ में ये गाड़ी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। गाड़ी के अंदर अभी हम बात करें ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो एक प्राइमरी व्हीकल, जो मैंने अभी भी बोला है ना, मेरा सोर्स है प्राइमरी व्हीकल। अगर आप एक प्राइमरी व्हीकल देख रहे हो, जिस भी बजट में देख रहे हो ना, आपको ये यहाँ पे वैल्यू एड ऑन देगी, हर सारे के सारे वेरिएंट आपको सीएनजी पे मिलेंगे। दूसरी चीज, ये जो कार है आपको एनर्जी के साथ भी आती है, मतलब एक इसका एनर्जी पोर्टफोलियो है जिसमें गाड़ी के अंदर ना लंबाई बढ़ा दी जाती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बेहतर हो जाता है, एनर्जी में भी ये गाड़ी हमें सीएनजी पे देखने को मिल रही है, एक ये हुआ। बाकी बात कर लेते हैं एक बार यहाँ पे साइड से, तो अगर मैं इस पे बात करूं ना, ये देखने में अलॉय व्हील लग रहे हैं, बट भाई ये ना रिम है, आप भी देख सकते हो, ये इसका व्हील कवर है और R14 इंचेस के गुडियर के यहाँ पे हमें टायर देखने को मिल रहे हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक आ रहा है, रियर में ड्रम ब्रेक के साथ में ये गाड़ी आ रही है। बाकी टाटा टियागो पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा जो वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है ना, वो यहाँ पे मेरे को यही लगा, इसमें आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो भी डे टू डे यूज के लिए आपको चाहिए ना, सब मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ORVM पे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लॉस फिनिश में ORVM आ रहा है, साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में, नीचे ये यहाँ पे मैट फिनिशिंग के साथ में ये गाड़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ में यहाँ पे आ जाओ, ये बी पिलर बैकआउट टेप से आ रहा है, तो ये देख सकते हो, तो ब्लैक कलर का ये यहाँ पे टेप है, राइट। अब शीशे देखो, एक चीज देखने वाली है, थोड़ा सा पीछे देख के शीशे अगर हम बात करें ना, मतलब शीशे ना काफी अंदर से बड़े बड़े हैं, तो केबिन काफी ज्यादा रूमी सा फील होगा, एक ये गाड़ी में प्लस पॉइंट मेरे को लगा। दूसरा एक बार स्पेस भी देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे चाबी कहाँ गई, चाबी ये रही, कोई बात नहीं, तो ये है गाड़ी की चाबी, चलते हैं स्पेस पे भी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारे पास में प्राइमरी की लॉक अनलॉक और
लैंप्स ऑन करने के लिए ये फ्लिप की देखने को मिल रही है कुछ ऐसी। इसके साथ में ये गाड़ी की सेकेंडरी की है, तो सेकेंडरी की आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें गाड़ी ये देखने को मिलेगी। सही, इसके साथ में यार ये भी है गाड़ी का जो व्हील बेस आता है 2400 mm का व्हील बेस देखने को मिल रहा है। अब 2400 के हिसाब से स्पेस में बात करें तो कैसा स्पेस है ये भी एक बार देख लेते हैं। बाकी आप ये देख सकते हो ये गाड़ी अंदर से कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। गाड़ी में डैशबोर्ड देखो तो यस, ये काफी अच्छा हार्ड फिनिशिंग का ये डैशबोर्ड है। इसके साथ में ये स्टीयरिंग आ रहा है टिल्ट स्टीयरिंग, और आप ये देख सकते हो हरमन का सिस्टम हमें गाड़ी में देखने को मिल रहा है। तो हरमन का सिस्टम बेसिक सिस्टम आ रहा है राइट। इसके साथ में हाइट एडजस्टमेंट यस ये यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। फैब्रिक सीट्स आ रही हैं, बकेट टाइप सीट गाड़ी में हमें देखने को मिल रही है। तो मैं अब एक बार अंदर चलता हूँ और देखते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आया, मेरी हाइट है 5'10" की, और पहले तो इसे नॉर्मल किया जाए। और ये भी क्या लिखा है, एंश्योर दैट यू रन योर कार इन। अरे भाई एक चीज और है, इधर आइए, इधर आओ, इधर आओ। आई सी एन जी जरूर है, लेकिन आप देख रहे हो टाटा के अंदर आई सी एन जी पे बोला जाता है कि हमारी गाड़ी सी एन जी पे डायरेक्ट स्टार्ट होती है, लेकिन दोस्त वो कुछ सर्टेन कंडीशन है अगर पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। जहां देखो क्या लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा वार्निंग दे रखा है। तो प्रॉपर वर्किंग ऑफ पेट्रोल फ्यूल सप्लाई सिस्टम भाई ये तभी होगी, तो फॉर श्योर आपको ऐसा यूज करना है। फोर्स स्टार्ट सी एन जी से जनरली कहा जाता है दूसरे ब्रांड्स में, कि सी एन जी का जो डायरेक्ट का बटन है ना उसे लॉन्ग प्रेस दबा के रखो तब वो शिफ्ट हो जाएगी सी एन जी पे ऊपर, अगर इन केस पेट्रोल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी इंटेलिजेंट है, तो आई सी एन जी इंटेलिजेंट है, ये गाड़ी खुद से सेंस कर लेगी कि हाँ भाई गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, हमें सीधा डायरेक्ट सी एन जी पे स्टार्ट होना है, तो वो हो जाएगी। अब स्पेस पे बात करते हैं, ये है कुछ स्पेस। प्रॉपर मेरी ड्राइविंग कंडीशन जिस तरीके से मैं गाड़ी को चलाता हूँ भाई, इस तरीके से गाड़ी चलाता हूँ, देख सकते हो आप। अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, एक डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है, बाकी कुछ इस तरीके से कंट्रोल होगा तो सही है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं यार, ये है बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन। सही, अभी मैंने सीट अपने हिसाब से कर ली है और थोड़ा बहुत आपको मैं गाड़ी के अंदर दिखा देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कॉम्बिनेशन लाइट्स हमें इस तरीके से देखने को मिल रही है, और इसको ऑन कर रहा हूँ मैं, तो ये यहाँ पे मैंने ऑन किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पेट्रोल और सी एन जी के लिए एक अलग से मीटर देखने को मिल रहा है। ट्रिप ए ट्रिप बी आप इजीली कर सकते हो, बाकी हरमन का सिस्टम ये कुछ इस तरीके से। सीएनजी का बटन यहाँ पे है, जनरली आपने टाटा पंच या इधर आपने इस साइड देखा होगा, इसका सेंटर कंसोल पे है। बाकी फोर स्पीड ब्लोअर का आप कंट्रोल कर सकते हैं, एसी के लिए आपका ये देखा है रिसर्कुलेशन ऑन ऑफ ये बटन है, ये ए टाइप यूएसबी है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग का पॉइंट है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी है, और यहाँ पे ये आ रहा है ग्लोव बॉक्स। तो ग्लोव बॉक्स में ये अपर पार्ट भी एक कैविटी है सामान रखने की, और यहाँ पे भी। तो सामान के मामले में तो मतलब स्पेस के मामले में तो हिसाब ऐसा है कि गाड़ी में कूट कूट के स्पेस दिया हुआ है। सही, अब चल रहे हैं सेकंड रो पे, तो आ जाते हैं सेकंड रो पे। फर्स्ट रो मैंने अपने हिसाब से अभी भी एडजस्ट कर रखी है, ये यहाँ पे है। सेकंड रो पे आप बात करो तो भाई गाड़ी में देखो 4 स्पीकर है, 4 स्पीकर हमें देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे अब मैं अंदर आ रहा हूँ। ओके भाई, 5 फीट 10 इंच के बंदे के हिसाब से गाड़ी सही है, और यहाँ पे स्पेस की मैं बात करूँ ना तो देखो 4 जने तो बहुत कंफर्टेबल जा सकते हैं। अगर आप टोटल 5 जने बिठा के लेके जाना चाह रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा जो बीच वाला बंदा है ना वो यार थोड़ा पतला बंदा रखना, ठीक है, तो वो सही रहेगा। बाकी तो ये कुछ यहाँ पे स्पेस आ रहा है, और इस तरीके से आप देख सकते हो नी रूम यहाँ पे इतना है, तो ठीक है, 3 उंगलियों का गैप है, करेक्ट। अंडर थाई सपोर्ट पे आ जाओ, ये यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट, डिसेंट अंडर थाई सपोर्ट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत कंफर्टेबल है, बहुत लेविश है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा, यही है। सही, बाकी पीछे यार यहाँ पे एसी वेंट की अपने को कमी लग रही है, अगर आई सी एन जी के अंदर एसी वेंट आ जाता ना मजा ही आ जाता, तो एसी वेंट इसमें मिस है। लेकिन यहाँ सेंटर में एक आप बॉटल होल्डर दे दिया इन्होंने, तो बॉटल होल्डर इधर भी आता है, बट अगर यहाँ सेंटर में बॉटल होल्डर के साथ चार्जिंग पॉइंट भी आ जाता ना तो थोड़ा बढ़िया रहता है। अब यहाँ पे रियर में बात करते हैं गाड़ी के बूट स्पेस पे, तो एक चीज और है, ये देखो ये स्पॉइलर छोटे छोटे दे रखते हैं, हालांकि ये देखो एक डिजाइन एलिमेंट है, इतना कुछ वो स्पॉइलर वाला रोल नहीं करेगा, बट ठीक है ये डिजाइन एलिमेंट दे रखा है, तो ये यहाँ पे रहा। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर है,
यस रिक्वेस्ट सेंसर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, परफेक्ट है, नहीं है यार रिक्वेस्ट सेंसर इसमें, तो सीधा आपने आगे से ओपन किया उसे। ये है यहाँ पे कुछ ट्विन सिलेंडर सीएनजी, तो देखा जाए सबसे पहले है क्या हिसाब। ये देखिए ये यहाँ पे ना इसके जॉइंट्स भी दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, और ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसे आगे किया। पार्शल ट्रे इसके अंदर इस वेरिएंट में नहीं है, तो आप एज एन एसेसरी लगा सकते हो। और ये है भाई ट्विन सिलेंडर का हिसाब, ट्विन सिलेंडर जो है ना इस कार के बेस से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, ये चीज मैंने सिर्फ इसी में देखी है। और ये यहाँ पे दो सिलेंडर दे रखे हैं, तो 30-30 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी, 60 लीटर का ओवरऑल ये हमें टैंक देखने को मिल रहा है। सही फिट एंड फिनिश सही लगी, बाकी इसको रखने का तरीका थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का लग रहा है, इसको पहले मैं फिट कर दूं है कैसा आपको दिखाने के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस के मामले में अभी भी आपका जो स्पेस है ना गाड़ी के अंदर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, और ऐसा यहाँ पे आ रहा है स्पेस। सही है भाई, बड़ा बैग एक आ जाएगा, डफल बैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इस टाइप के अगर बैग है ना तो आप इसे सीधा रखो, क्योंकि ये जो सीट है इसे मैंने लो पीछे कर दिया, इसे ऐसा रखना पड़ेगा, इस बैग को डफल बैग की आपको जरूरत पड़ेगी। ये वाले बैग जो है ना, मतलब आप एक बैग ही ले जा सकते हो, इधर आपको डफल बैग चाहिए, तो बेटर है अगर आप टाटा टियागो प्लान कर रहे हो ना तो डफल बैग के साथ करो। बाकी यहाँ देख लेते हैं इधर, चीज आपकी है, हो तो जाएगा जबरदस्ती बट मैं नहीं करने वाला, तो अपन सिंपल इसे ऐसे रखेंगे। That's it. तो ये है, और इसे खत्म करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार गाड़ी के इंजन की भी, तो इंजन देखते हैं फटाफट, मैं आपको पहले हुड खोल के दिखाता हूँ गाड़ी का। बाकी ये 1200 सीसी का तीन सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन गाड़ी में हमें देखने को मिल रहा है, तो है कैसा ये भी देख लेते हैं। यार भारी है, पता नहीं भाई इससे कभी जो लोग भी ऐसे देखते हैं ना ये करके, ये देखो गाड़ी कितनी हैवी है, ये सब पैरामीटर नहीं होते भाई गाड़ी को सेफ्टी में देखने के लिए ना। चलो 1200 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हमें देखने को मिल रहा है टाटा का। भाई इसकी पहले मैं वारंटी की बात करता हूँ, तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आती है, किसी के पास में नहीं है। आपको इसे एक्सटेंड करवानी है तो 5 साल और 1,25,000 किलोमीटर आप इसको करवा सकते हो, और क्या चाहिए। दूसरा इंजन आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, सिंगल ईसीयू के साथ आता है आईसीएनजी जैसा मैंने बताया, तो आप ये जो देख रहे हो ना काफी अच्छा फिट एंड फिनिश है, और BS6 फेज 2 के अंदर टाटा पोर्टफोलियो काफी ज्यादा रिफाइन हुआ है, तो वो जो 3 सिलेंडर है एग्री विद डेट, वो 3 सिलेंडर का एबनॉर्मल जो वाइब्रेशन होगा ना वो सुनाई देगा ड्यूरिंग द पिकअप भी, लेकिन ना अभी आप इनिशियली जब गाड़ी को रेस दोगे या कोल्ड स्टार्ट करोगे तब थोड़ा सा इसमें आवाज ज्यादा आएगी, बट जब ये गाड़ी चलने लगेगी थोड़ा इसका इंजन एक सर्टेन टेम्परेचर पे आएगा ना तो काफी हद तक NVH गाड़ी का कम होगा। तो यही है मेरी तरफ से, दैट्स ऑल फॉर माई साइड, और बाकी आप लोग मेरे को बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो कमेंट्स में जरूर बताओ आपकी क्या राय है अबाउट दिस टाटा टियागो, एक प्राइमरी व्हीकल बनने के लायक है या नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, जो लोग भी टाटा टियागो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं हूं संचित सक्सेना, जय हिंद।